क्या मतलब पर नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है क्लोजेस जो भी होते हैं नोटिफिकेशन आया थी कोरोना जीपीएस में तो ऐसे ही ड्राइव हो रहा होता है पूरा जी तो इंटरनेट सर्विस वगैरह जो कैसे होती है 3G से या जी जी 3G से जहाँ 3G चल रहा होगा ना ऑनलाइन वही है सर्विस मतलब उसके अलावा आपकी रेंज में उसके अलावा अगर आपका कॉन्टेक्ट भी जिस तरह आपका हो गया कैप्टन से तो लोकेशन आप गाइड कर देंगे तो लोकेशन में कभी होता है कि इशू आ जाए मतलब लोकेशन समझ ना आया हो जाता है सब जीपीएस भी कभी कभार ये है कि लोकेशन एकदम से रुकता है फिर वो चलना शुरू हो जाता है तो करीम में कब से हो करीम में तो एक मंथ हो गया है तो अभी तक का कैसा रहा है एक्सपीरियंस अच्छा है एक्सपीरियंस ये है कि आवाम की भी काफ़ी बेहतर सहूलत है अच्छी सहूलत है और किराया भी मुनासिब है इतना कोई ऐसे ज़्यादा नहीं है सिक्योर भी दूसरा ये कि 24 घंटे सर्विस है आपको मुश्किल ट्वेंटी फोर आवर होता है सर्विस तो सारे जो करीम में रजिस्टर्ड हैं क्या उनको टाइमिंग मिली हुई है नहीं डे नाइट का है ये शिफ्ट होती है अच्छा डे नाइट वो आप खुद डिसाइड करते हैं वो खुद देते हैं नहीं खुद डिसाइड करते हैं पर नाइट में भी मतलब ड्राइवर्स नाइट के भी सेम रेट हैं या चेंज है नहीं सेम है रेट सेम है जी जी सेम तो मतलब डेली की जो 10 से 11 जी 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 रिक्वायरमेंट जो करीम की है वो है 10 डेली की जी जी 10-12 घंटे 13 घंटे में जितने भी हो जाए उससे ऊपर मतलब आप कर सकते हो वो आपके ऊपर कर सकते हैं कोई टाइमिंग तो नहीं है ना स्पेसिफाइड टाइमिंग अब यहाँ से कोई अच्छा सपोज मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे कहीं भी जाना है मलीर लांडी तो वहाँ भी मतलब कराची कोई भी घूमने में किसी भी कुछ एरिया हैं फिलहाल जो करीम सिक्योरिटी मतलब इंश्योरेंस वगैरह कोई होती तो होती इंश्योरेंस तो है लेकिन ये करीम तो इसके बारे में कहते हैं कि हमारा हादसा नहीं है आप नहीं लगा अगर ऐसा कोई लोग हो रही है कि आ जाती है ना रिक्वेस्ट हाँ रिक्वेस्ट या राइड आ गई तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं कि सर मेहमान तो क्या मतलब आप जैसे करीब से तो आपने जैसे मेरी मतलब राइड पिक की है तो मतलब आपको नोटिफिकेशन आ गया है जितने भी करीब उनको नोटिफिकेशन गया नहीं 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 जो ज़्यादा करीब होगा ना सबसे नियरेस्ट जो होगा जी उसके पास दिखने चाहिए स्ट्रेट आ जाएगा जल्दी आ जाएगा ठीक उसके बाद जल्दी आएगा मतलब तो कोई टाइम होता है टाइम पीरियड एक्सेप्ट करने का या टाइम पीरियड 10 सेकंड होते हैं बस 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में अगर हमने एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है वरना किसी और के पास से नहीं अच्छा मतलब 10 सेकंड का टाइम एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है तो क्या सेल फोन में इतनी जल्दी रिस्पॉन्स देना पड़ता है देखें आप रखना पड़ता है अच्छा तो कितने आवर की ड्यूटी 12 घंटे ओवर टाइम मतलब और मिलते होंगे ना फिर वो फिर राइड का हिसाब अब जैसे 10 राइड आपने कंप्लीट अच्छा, कर ली उसके बाद 11, 12, 13 फिर आप वो बोनस है समझ लो बोनस है कि सब कमीशन उस पर बढ़ा देंगे वैसे तो आई थिंक 20% काटता है ना तो जी जी करीब 20% तो ओवर 10 राइड के बाद और कम हो जाता है या 10 राइड के बाद करीब अच्छा करीब ये तो बहुत अच्छा है मतलब किसी को ओवर टाइम करना है तो वो फिर 10 के बाद वो जितना करना चाहिए मतलब उसको ये तो नहीं है ना कि मतलब 10 के बाद उसको नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं नहीं तो जीपीएस सिस्टम वगैरह जो है वो करीब पर लगा के देते हैं तो उसके साथ का है वो सर्विस मंथ में 500 है उसके चार्ज पैकेज उसके अलावा जो करीब रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो चार्जेस जो इसके कोई चार्ज तो जो जीपीएस जो आपको सेट करके दिया होगा तो फ्री होगा उससे फ्री होगा तो ऊबर में आपने ट्राई किया नहीं ऊबर में नहीं किया ऊबर असल में अभी स्टार्ट है अभी स्टार्ट है अभी तो शुरुआत है क्योंकि सर्विस खास बेहतर नहीं है अभी मतलब कंप्लेंस आ रही हैं कंप्लेंस आ रही हैं अभी गाड़ियाँ हैं ही नहीं बस सही
तो आप लोगों को भी तो उन्होंने मतलब किया तो ऑफर तो की होंगी? नहीं, ऑफर तो है अभी भी आ रही है, लेकिन ये कि पैकेज वगैरह करीब में फिलहाल बेहतर सही चल, क्योंकि हमें तो राइड चाहिए ना। तो मतलब आप किसी वेंडर की है या? जी, वेंडर की है। तो लोगों ने मतलब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है इस पर? काफ़ी अच्छी खासी, किसी की 20 गाड़ियाँ, बीस गाड़ियाँ भी हैं, किसी की 10 गाड़ियाँ, किसी की 5 गाड़ियाँ, किसी की 1-2 गाड़ी है, तो वो खुद ड्राइव कर रहा है, वेंडर भी खुद के। तो एक गाड़ी में अंदाजा मतलब आप पे, तो आप तो सैलरी बेस पे हो गए ना फिर? तो मतलब आप वो ओवर टाइम, मतलब आपको एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया होगा इतने टाइम आपको ड्राइव करना है, उसमें जितनी भी राइड आती है जी। तो नहीं, भी कम से कम 10 राइड का है, उसके बाद आपका है या वो जो वेंडर है उसी को सारे? नहीं, उसका है, फिर वेंडर हमें कमीशन देगा, जैसे 70 रुपए पर राइड हमें देगा। अच्छा, मतलब वो अलग कमीशन वो भी देते हैं? जी जी, ये भी बेनिफिट है। मतलब कभी कभार 10 राइड आधे दिन में हो जाती होंगी? नहीं, आजकल अच्छा, हाँ ये भी है, बट सेफ एंड सिक्योर तो है ना एक तरह? जी जी, मतलब सारे जो राइडर्स हैं जो भी हैं वो सारे रजिस्टर्ड और सिक्योरिटी उनकी सारी पूरी हो चुकी है। तो अंदाजा नहीं, गाड़ी मतलब हर रोज कितना किलोमीटर चला लेते होंगे? कम से कम 300-250 किलोमीटर। जी जी, एक मतलब टैंक कंट्रोल कंफर्म फुल होती है, एक दफा होती है, लेकिन ये कि 400 चलती है। 400 तो आप फुल करेंगे ना? अच्छा, 400 किलोमीटर आराम से चलेंगे। कराची कभी किस कोने, कभी किस कोने, इसी तरह। तो जब आप फ्री होते हैं मतलब ऐसे मूव कर रहे होते हैं, मतलब नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, वरना? नहीं, जैसे आपको ड्रॉप किया वहीं साइड पे, इधर उधर 10-15 मिनट देख लेते हैं, फिर इसमें वो सिस्टम बना हुआ ना, जहाँ पे बुकिंग ज़्यादा होगी ना वो जगह रेड हो जाएगी, और वो जगह रेड होगी तो हम उसी जगह मूव हो जाएंगे, वो रेड जोन बन जाता है। मतलब जहाँ पे बुकिंग ज्यादा आ रही होती है? जी जी, वो रेड जोन हो जाता है। अच्छा, मतलब इन्होंने यही किया कि कोई ड्राइवर ऐसे ही फालतू घूमता ना रहे? जी, अगर वो जैसे यहाँ इस एरिया में राइड नहीं है, मिसाल के तौर पे 1 घंटा गुजरिया आप, तो आप उस एरिया में चले हैं जिस जगह रेड जोन है। अच्छा, मतलब कोई भी कोई एरिया में जा सकता है? जा सकता। तो कभी ये तो नहीं होता होगा वैसे जैसे कि दो राइडर एक साथ पहुँच गए? नहीं नहीं, होता है सर, हो जाता है, ये करीब में सिस्टम ही ऐसा है ना। असल में इसमें ये भी तो ना क्लासेस बनी हुई हैं, ये बहुत अच्छा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक दफा किसी पर रिक्वेस्ट चली गई, उसके बाद वो दूसरे के पास नहीं जाएगी। हाँ, ऊबर में जा सकती है। अच्छा, उसमें जा सकती है? जी जी, बाजू बात ऐसा होता है, हम जाते हैं तो वो कहते हैं हम तो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, ऊबर आई नहीं है, वो अच्छा करीब नहीं आई, जो भी मामला है। वेंडर को अच्छे खासे बच जाते होंगे आपके वो देने के बाद भी? जी जी, इन्वेस्टमेंट की है लोगों ने, काफ़ी बड़े पैमाने पे की, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी। और गाड़ी का आई थिंक कुछ मॉडल भी है ना? हाँ, इसमें बिजनेस क्लास, इकोनॉमी। और गाड़ी कौन से ईयर के बाद अलाउड है? 2010 के बाद मेरे ख्याल से आप रजिस्टर करा सकते हो ना अपनी गाड़ी? नहीं, 2011 के बाद है इकोनॉमी में, और बिजनेस क्लास में 2016-15 इससे नीचे। अच्छा, इससे नीचे नहीं है बिजनेस क्लास में? तो बिजनेस में मतलब सारी बड़ी गाड़ी हैं जी, और जो बिजनेस क्लास वाता है मतलब वो बिजनेस ही है, वो बिजनेस है, उसके रेट भी ज़्यादा है। तो गो कार्ट कोई जो है वो नहीं है ऐसा कुछ? गो के में 2001 से लेके 2010 तक, तो उसमें मेहरान वगैरह, ऑल्टो, मेहरान, ऑल्टो, कल्टस है नीचे के मॉडल है। अच्छा, तो ये वाला कौन सा मॉडल? 2015। रेगुलर सर्विस भी जरूरी होगी इस पे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी रनिंग के बाद तो मेंटेनेंस तो लाजमी है। सही बात है। और एट लास्ट हम घर पहुंच गए। सो करीम की राइड तो बहुत क्लास की रही।
So do try, safe and secure. Kareem, love is.